मेघालय, नागालैंड या फिर त्रिपुरा, पूरे पूर्वोत्तर भारत के बारे में आज पीएम मोदी के संबोधन में हमने सुना। जी, बहुत अच्छा बोला है मोदी जी ने, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट केवल वहाँ पर केवल एक स्टेट ऐसा नहीं है, वहाँ पर पूरा प्रभाव पड़ता है, पूरा असर जाता है। तो ख़ासतौर से जब यहाँ दिल्ली से बैठकर बोल रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट के लिए होता है। ठीक है, इलेक्शंस 3 राज्यों में हुआ है, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, लेकिन उसका असर पूरे नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी ने यहाँ से नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट अपने 8 साल के कार्यकाल में इस तरीके से काफ़ी अच्छा किया है, और ये जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं ये कोई डिनाई नहीं करते हम लोग, क्योंकि जैसे हम बहुत रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं, अरुणाचल के एक छोटे से गांव जहाँ बर्मा बॉर्डर के आसपास है, तो वहाँ तक अभी रोड गया है, और उसके साथ साथ छोटे मोटे जो फैसिलिटी से जल जीवन का मिशन चल रहा है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो असल में बाद में इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से हुआ है, तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रही है। अभी तो काफ़ी रिमोट तक ये जानी है, फिर भी अपेक्षा ही है कि वहाँ के यूथ्स जो इधर को मूव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एकेडमिक सेक्शंस में भी वहाँ पर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हो, और साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन्स, क्योंकि कहीं ना कहीं, और उसके अलावा स्टिल हमें उनसे अपेक्षा ये रहता है कि बहुत सारे वहाँ पर बहुत सारे जनजातियाँ हैं जो एकदम सब कम्युनिटी है, जिनको अभी भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैं खुद एक चकमा कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोग वहाँ कहीं ना कहीं हम लोग 58 साल से हम लोग वहाँ पर कहीं ना कहीं वहाँ सिटीजनशिप्स के लिए भी फाइट कर रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी, अमित शाह जी ऐसे हैं, मंत्री है, ऐसे गवर्नमेंट है इस समय, मोदी गवर्नमेंट जो इस समय के ये जो बड़े बड़े जो 30 साल 40 सालों से जो समस्या चल रही है उनको समाधान कर सकते हैं। एक छोटा सा कमेंट लेना चाहूँगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश जो है चर्चा का विषय बना रहा, खासतौर पर उस तवांग मुद्दे को लेकर। कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो लगातार राहुल गांधी जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री पद की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने बार बार कहा कि तवांग में जो है चीन सेना घुस आई है। यहाँ पर आप, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले, आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? इस चीज़ को कहीं ना कहीं ये जो ओपोजिशंस कहूँगा एक प्रकार से, इस समय जो राहुल गांधी जी ओपोजिशन में हैं, राहुल गांधी जी तो उनका काम है इस समय जो त्रुटियाँ हैं निकालना। तो कहीं ना कहीं ये कोई पहली बार ऐसा नहीं है अरुणाचल के अंदर इस तरीके का, ये पहले भी थोड़ा बहुत ये सब इस तरीके का वो होता आया था, क्योंकि कोई प्रॉपर इस समय तो जो इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ से जो रोड बना है एकदम क्लियर कट, और काफ़ी बड़े बड़े नेशनल हाईवे बना है पूरा, यहाँ तक कि जो सऊदी ब्रिज है वहाँ पर जो असम से अरुणाचल टच होता है वो सब बड़े बड़े ब्रिज बना है, अब तो वहाँ टैंक भी जा सकता है। एक प्रकार से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की दृष्टि से अरुणाचल पूरी तरह सेफ है पहले की दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि अगर हम 70 साल या 50 साल थोड़ा सा पढ़ते हैं तो देखते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल कभी सोचने वाला ही नहीं था। जो बेसिक है उनको भी इंसानियत तौर पर भी कभी अच्छा से ट्रीट किया नहीं जाता, यहाँ तक कि हम जब दिल्ली में आते थे, हम किसी यहाँ जाते थे, कोई लोग बहुत कम जानते थे अरुणाचल कहाँ है, कौन सी देश का है, इस तरीके से वो होती थी। तो वो कहीं ना कहीं लोग आप जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बोला जा रहा था, एक प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो वो सबके लिए होता है कहीं ना कहीं, केवल नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं है, हम सबके लिए। तो इस समय नॉर्थ ईस्ट काफ़ी फोकस है, उसके लिए हम बधाई देते हैं मोदी जी को, और हमें पूरे जितने भी कार्यकर्ता है पूरे दिल और जान से लगे हुए हैं, और हम आगे भी अपेक्षा करते हैं कि जो इस प्रकार की समस्या है उनको समाधान करके, और अपने जो आने वाली फ्री है उनके लिए पीरी है उनके लिए भी कुछ अच्छा कर जाएंगे, और जो छोटे छोटे समुदाय उनको भी ध्यान में रखते हुए, उनका भी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेगा सरकार। जैसे मैं कुछ चकमा समुदाय से बिलोंग करता हूँ, कहीं ना कहीं हम 30 सालों से संघर्ष कर रहे हैं सिटीजनशिप को लेकर के, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए दुखदायी है। आने वाले जनरेशन, अभी हम सोचते थे पहले कि सब ठीक हो जाएगा, जैसे अभी कितना ड्रॉप आउट 10-12 करने के बाद हम लोग सारे दिल्ली की तरफ भागते हैं, क्योंकि अरुणाचल में हमें इस प्रकार की सुविधाएँ नहीं मिलती है। अरुणाचल सरकार RPC देने को भी रास्ता है, वो एक बेसिक राइट है, हम जहाँ रह रहा है वहाँ पर रेजिडेंस प्रूफ सर्टिफिकेट देने भी, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन है। ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि मोदी जी और अमित शाह जी इनको थोड़ा सा देखे सुने, क्योंकि मैं खुद अपॉइंटमेंट के लिए भी तरसता हूँ, वैसे कार्यकर्ता के नाते हम आते हैं, लेकिन जब इस तरीके के बातें होते तो कहीं ना कहीं एक प्रोटोकॉल आना पड़ता है, इसलिए तो मैं सोचता हूँ आपके माध्यम से हमारी एक छोटी सी मैसेज उन पर पहुँच जाए, और आने वाले हमारा जो पीढ़ी है जनरेशन टू जनरेशन, हो सकता है उनके हाथों सुरक्षित हो और हमारा भविष्य उज्जवल हो। थैंक यू। कुछ कहना चाहते हैं आज की जीत पर? आज की जीत पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई जो इस जीत के लिए, इस जीत से ये भारतीय जनता पार्टी को निश्चित ही एक ऊर्जा और आने वाले जो
आगामी इलेक्शन है तो उनके लिए भी एक पॉजिटिव संकेत है इसके लिए। तो ऑफ कोर्स अगर आप ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे स्वतंत्र भारत के बाद एक डेवलपमेंट की ज़रूरत थी उस चीज़ को मोदी जी के गवर्नमेंट आने के बाद वो डेवलपमेंट वो जो डेवलपमेंट होना था वो धीरे धीरे शुरू हुआ। इसके कारण जो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोग हैं तो उनको उनका विश्वास जो पहले कांग्रेस से उठकर अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ मूव करने का भी यही कारण है कि उनको एक विश्वास देने लगा कि मोदी जी ऐसा कुछ कर सकते हैं, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे सिक्योरिटी के फील्ड में हो, चाहे रोजगार के फील्ड में हो। तो उन सभी चीज़ में एक डेवलपमेंट चाहता है नॉर्थ ईस्ट भी, वो भी अपने जो भारत है जो पूर्व भारत है जो मेनली इंडिया बोलते हैं उनको, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर एक आइडेंटिटी के साथ, जो उन लोग पहले सोचते थे कि ये उत्तर भारत के लोग जो हम इधर आते थे तो उनको एक डाउट होता था कि ये हमारे भारत के भाग के पार्ट है कि नहीं। लेकिन उस चीज़ को मोदी जी ने विभिन्न प्रकार के पहलों के तहत एक नॉर्थ ईस्ट को एक हमारे जो मेन इंडिया है उसमें एक आइडेंटिटी दिया कि हमारे उत्तर पूर्व भारत भी इसके पार्ट है। इसी कारण आजकल जो हम भी कॉलेजों में पढ़ते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं भी एक छात्र हूँ, तो वहाँ पर जब माहौल देखते हैं तो इट इज़ उन लोग हमें एज ए एक भारत के नागरिक होने के लिए इस तरह एक्सेप्ट करते हैं, एक भाई की तरह से इस तरह से ट्रीट करते हैं। नो उन लोग जान गए हैं कि वी आर आल्सो पार्ट ऑफ इंडिया इस तरह से। तो एक निश्चय ही मोदी सरकार इस समय एक बेहतरीन काम कर रही है उत्तर पूर्व भारत के लिए भी। बात की जाए अगर पूर्वोत्तर भारत की तो वहाँ पे हाल ही में जो चुनाव हुए उसके बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खुशी है। जिस हिसाब से जो चुनावों के नतीजे खुल करके सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो नागालैंड हो, चाहे फिर वो त्रिपुरा हो या फिर मेघालय, वहाँ पर भी ऐसा माना जा रहा है कि एनपीपी जो पुरानी साथी थी बीजेपी उनके साथ मिलकर के अब बीजेपी जो है वहाँ सरकार बनाएगी। और आज इस समय हम बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद हैं, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुँचेंगे और यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत से कुछ छात्र जो हैं वो यहाँ मौजूद आइए उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोनित केरसा है, मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। सर, नॉर्थ ईस्ट में देखा जाए आज जो है वहाँ पर भी पूरी बीजेपी की लहर देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा क्योंकि हम लोग का उधर बीजेपी का थोड़ा अच्छे काम है और अच्छे दबाव तो हम लोग का उधर लोग प्यार करते हैं बीजेपी को और बीजेपी को इसीलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो वहाँ के कार्यकर्ता लोग अच्छे हैं, बीजेपी कार्यकर्ता सही से काम कर रहे हैं, सही ढंग से देख रहे हैं और शिक्षा के व्यवस्था में भी सही ढंग से आगे बढ़ा रहा है, इसीलिए लोग प्यार करते हैं बीजेपी से। क्या क्या बदलाव पिछले कुछ समय में देखने को मिले हैं जब से वहाँ पर बीजेपी का जो है इतना ज़्यादा वोट मिलने लगा है, बीजेपी की सरकारें पूर्वोत्तर भारत में बनने लगी हैं? वैसे तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे जगह है जो ऐसा है कि पहले हम लोग का उधर स्टेशन भी नहीं थे ट्रेन स्टेशन, अभी जस्ट फिलहाल ट्रेन स्टेशन बहुत सारे नोटिस में ट्रेन स्टेशन बन गए हैं और जगह जगह आजकल पार्क भी बन रहा है इसी के कारण। और पढ़ाई के मामले में भी बहुत सारे लोग बच्चे आजकल आगे बढ़ रहे हैं और बहुत सारे स्कूल खोल गए हैं उसी का वजह से ही ऐसा लगता है। और बात ये भी कहूँगा कि वहाँ आजकल बीजेपी को इसीलिए प्यार कर रहे हैं क्योंकि वहाँ के जो पहले चाइना के लोग बहुत ज़्यादा वहाँ अरुणाचल में अटैक करते थे क्योंकि वहाँ रोड की व्यवस्था नहीं था, मतलब कि आजकल रोड बन गए हैं और हमें धर खत्म हो गए बीजेपी का आने से और इसी का वजह से हम आजकल बीजेपी का ज़्यादा प्यार करते हैं। अब अगर देखा जाए तो ये असेंबली इलेक्शन तो हो चुके, अब 2024 की तैयारी है लोकसभा इलेक्शन की, क्या लग रहा है लोकसभा में इस बार क्या होगा? मेरे रास्ते से तो मैं यही कहूँगा और मेरे डिस्ट्रिक्ट से तो मैं यही कहूँगा क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट डिमा असम में सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी को ही मिलता है, तो मैं यही चाहूँगा कि लोकसभा में भी बीजेपी ही जीते। जिस दीमा हसाओ से यहाँ पर आए हैं वही दीमा हसाओ है जहाँ पर कुछ दिन पहले पवन खेड़ा जो कांग्रेस के नेता हैं वहाँ पर जो प्राथमिकी दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, जो यहाँ पर कंप्लेन दर्ज हुई थी वो इसी दीमा हसाओ में दर्ज हुई थी। और भी यहाँ पर छात्र मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम याका सांगला है और मैं नागालैंड से बिलोंग करता हूँ। नागालैंड में तो बीजेपी जो है इस बार एनडीपीपी के साथ सरकार बना रही है। जी 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 जी, अभी फिलहाल मतलब जीत भी चुका है एनडीपीपी द्वारा। एनडीपीपी ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है लेकिन बीजेपी के साथ जिस हिसाब से मिल करके वहाँ सरकार चला रहे हैं, 2018 में भी जीत करके आए थे, तो कैसे देख रहे हैं नागालैंड के लोग इस चीज़ को? मतलब अभी फिलहाल तो डेवलपमेंट क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बढ़ ही रहे हैं। जो 2018 में वहाँ इलेक्शन हुआ था उसमें हमने देखा एंटी इनकम्बेसी फैक्टर था, उसके बाद जो है सरकार चेंज की गई, लेकिन इस बार नागालैंड के लोग स्टक रहे, इस बार वही बीजेपी और एनडीपीपी को ही दोबारा से समर्थन दिया उन्होंने। जी मतलब ये है कि मतलब सारे जिस डेवलपमेंट ये सब में भी मतलब अधिकतर
मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है और यूनिवर्सिटी मतलब क्या बोलेगा जो पहले वहाँ पे देखा जाता था काफ़ी सारे जो है लोकल मिलिटेंट ग्रुप होते थे उनका हमने सरेंडर की खबरें देखी कि वो जो है काफ़ी अब बाकी जो है मेन स्ट्रीम में वापस आ गए, इसमें किसका रोल देखते हैं? मतलब अधिकतर मतलब ये बीजेपी का रोल है, मतलब ये लोग ने बहुत ज़्यादा समर्थन किया हमारे साथ। सर क्या नाम? मेरा नाम नोमल है, मैं असम से हूँ। असम से हैं सर, पूर्वोत्तर भारत में तो अभी हर जगह वहाँ भी भगवा भगवा दिखाई दे रहा है। जी 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 बिल्कुल भगवा भगवा दिखाई दे रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? बहुत सारे ऐसे फैक्ट है, 370 देख लीजिए, भगवान राम मंदिर देख लीजिए अयोध्या में, और अभी जितने डेवलपमेंट हो रहा है आज नॉर्थ ईस्ट जो एक बिल्कुल देश से कटा हुआ हिस्सा हम पिछले कई सरकारों में देखे या और भी चीज़ों को देखते हैं तो लगता था कि नॉर्थ ईस्ट एक अलग है। नॉर्थ ईस्ट के लोग जब इधर आते थे तो बहुत सारे ऐसे कनेक्टिविटी नहीं थी और फिर उनके शक्ल को देखने के बाद कई सारे ऐसे एक भ्रम पैदा होता था और नॉर्थ ईस्ट के लोग इधर आने से कतराते भी थे, कई बार इनके साथ ऐसे एक्सीडेंट ऐसे चीज़ें हो जाता था। लेकिन जब से 2014 में मोदी जी की सरकार आई है उसके बाद से इन सब चीज़ों में इतनी कमी हुई है कि आज न के बराबर है और यहाँ पर एक सुरक्षित और अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं नॉर्थ ईस्ट के विद्यार्थी हो या नॉर्थ ईस्ट के लोग इधर जो वर्किंग में आते हैं। 2024 से पहले इसको एक टेस्ट के रूप में देखा जा रहा था कि क्या वहाँ से आवाज़ आएगी, किसको जो है जनता का समर्थन मिलेगा। त्रिपुरा और नागालैंड में तो दोबारा से सरकार बनते दिख रही है और वहाँ पर भी ऐसा माना जा रहा है मेघालय में कि एनपीपी के साथ फिर से सरकार आ रही है। बिल्कुल फिर से आएगी और इस बीजेपी को बिल्कुल बढ़ चढ़ के लोग तैयार कर रहे हैं, गाँव गाँव में बीजेपी की वहाँ पर कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता जो नहीं है उनको लग रहा है कि बीजेपी ही हमारा एक आगे का सोल्यूशन है जिसके कारण हमें बीजेपी का ही दामन थामना एक हमारा आगे का हमारा सोल्यूशन वही है कि हमें बीजेपी ही चाहिए, जिसके कारण से आज हर जगह बीजेपी ही हमें दिख रहा है। अभी कई सारे डेवलपमेंट जैसे सबका साथ सबका विकास के तहत वहाँ पर सड़कों का निर्माण, जैसे कि हम देखा जाए 2017 से पहले त्रिपुरा की कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं थी, आज त्रिपुरा में इतने सारे डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पर चिकित्सा शिक्षा बहुत सारी चीज़ों पर जो वहाँ पर थी ही नहीं उससे पहले। माणिक सरकार जो बहुत पुराने समय तक रहे बहुत चीज़ों पर वो अनदेखा करते थे त्रिपुरा की तरफ, लोगों को गलत चीज़ों को प्रचार करते थे, लेकिन बीजेपी वहाँ आने के बाद एक सकारात्मकता की सरकार बनी और सारे चीज़ें सकारात्मकता की ओर चलते गए और एक बीजेपी ने दोबारा उसको कायम किया इस बार। सर अगर बात की जाए कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी है इस देश में, बहुत पुरानी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है, उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उन्होंने कहा कि इससे लोगों का अपार समर्थन मिलेगा, करोड़ों लोग जुड़ेंगे, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट रीजन जहां वो पहले एक समय पकड़ थी उनकी, अब तो बिल्कुल वो नीचे जाते जा रहे हैं। किसी चीज़ को आप गलत तरीके से बांध के रखेंगे तो बहुत लंबा समय वो बंधे नहीं रह सकता है, जो जनता को दिख रहा है और जनता समझ रहे हैं इस चीज़ को, और वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं रह सकता है, जिसके कारण आज वो स्पष्ट हो गया है, जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट भी पूरी तरीके से एक बीजेपी में विलय होते हुए दिख रहा है मेरे को। एक लास्ट कमेंट लेना चाहूँगा सर, मेघालय में जो एनपीपी के साथ बातचीत चल रही है संगमा जो मुख्यमंत्री है उसमें हेमंत बिश्व शर्मा जो असम से आप आते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री है उनका हर जगह इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है, महाराष्ट्र गुजरात और मतलब एक असम से आना मुख्यमंत्री बनना और पूरे पैन जो है इंडिया लेवल पर इस हिसाब से वो जो है पार्टी को आगे लेकर के जा रहे हैं बीजेपी को इतने कम समय में, और कांग्रेस में थे किसी समय, अब वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे कांग्रेस को। निश्चित ही उनको भी ये चीज़ें दिखाई दिया कि बीजेपी ही एक, जैसे मैंने पिछले बताया कि एक बीजेपी एक सोल्यूशन है, तो उनको भी लगा और वो आज बीजेपी के साथ आने के बाद एक सकारात्मकता की जिस पर तरीके से उनके अंदर भी चीज़ें, अभी उनके स्टेटमेंट आप देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें देख लीजिए, वो एक बीजेपी को और बढ़ चढ़ के आगे ले जाने का काम कर रहे हैं।